या लोग मान जा चुके हैं उस पर नीतीश कुमार जी ने एक भी संवेदना से जो है कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। कोई भी कंडोलेंस का मामला हो उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए हम लोग लगातार जो है हम ये कहना चाहते हैं बिहार में नीतीश जी के शासन में पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज जो है वो कायम हो चुका है। रावण करके एक संगठन जो है वो चल रहा है और प्रशासन के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किंग जोंग के अधीन आ चुकी है। लगातार हत्याएं लूट अपहरण अब तो नरसंहार जैसे मसले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश प्रदेश में। थोड़ी सी भी संवेदना या नैतिकता मुख्यमंत्री जी में नहीं बची है। इसलिए पूरी तरीके से अब हम लोग तो यही जानते थे ना कि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक होता है और दशहरा में बल्कि रावण वध भी होता है, लेकिन बिहार में तो अद्भुत है रावण के नाम पर संगठन चल रहा है और खुलेआम जो है नरसंहार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री को पता ही पता नहीं चलता है और प्रशासन के लोगों को ये पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। आज जो घटना आज हम आए हैं अभी कलकत्ता से वहाँ चुनाव प्रचार से अभी हम जाएंगे भी अभी निकलेंगे भी हम लोग मधुबनी ये तो से हम लोग मिलने का भी काम कर रहे हैं और बकायदा उनके परिवार के लोगों ने इस बात को कहा है। निकल वो आपको लेके कह रहे थे कि कुछ लोग पब्लिसिटी लेने के लिए ट्वीट करते रहते हैं बोलते रहते हैं बिना मतलब का। किस बात का पब्लिसिटी? हत्या हुई है नरसंहार हुआ है लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं ये क्या पब्लिसिटी के लिए? तो विपक्ष चुप रहेगा तो नीतीश जी क्या चाहते हैं? विपक्ष रहे ना उनमें कोई नैतिकता नहीं रहा। कम से कम हम में तो नैतिकता है कि जाकर के पीड़ितों के आंसू पोंछ सके जो विक्टिम है। पश्चिम बंगाल का क्या हाल है? आप घूम के आए हैं बहुत दिन से। ममता जी आए